लगा सकते हो। तो उसमें एक शेर सुनना, उसी में शुरू करूंगी कि अब इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी इश्क में, अब इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी इश्क में, उसको किसी और के साथ भी देख दुआ दी है मैंने, उसको किसी और के साथ भी देख दुआ दी है मैंने। और मैं चाहती हूँ जैसे पहले चीयर अप आ रहा था पीछे से, वैसे ही वाला चीयर अप चाहती हूँ आप लोगों से। हाँ हाँ ये भी बात है। और इलाहाबाद से कोई है यहाँ पे? अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। कोई टोके उससे पहले मैं बता दूं तो उन दोनों को मैंने मिलाने की कोशिश की थी, इलाहाबाद और प्यार मेरे लिए क्या है। तो सुनिएगा कि वो प्रयागराज की तरह बदल तो गया, वो प्रयागराज की तरह बदल तो गया, दिल में उसके लेकिन मैं इलाहाबाद सी रह गई, दिल में उसके लेकिन मैं इलाहाबाद सी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं लड़कियां इश्क नहीं जाहिर करती हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो ये सुनिएगा कि उसके दिए झुमके पहन आई हूँ आज, उसके दिए झुमके पहन आई हूँ आज, ना चाहते हुए भी उसका इश्क कबूला है मैंने, ना चाहते हुए भी उसका इश्क कबूला है मेरे। और एक नज्म रखने चाहूंगी आप लोगों के सामने कि कुछ तो बाकी रह गया है तेरा मुझ में, कुछ तो बाकी रह गया है तेरा मुझ में, ये क्यों हर बात पे तेरा जिक्र आ जाता है। आलम ये है कि लोग समझते नहीं अल्फाज मेरे, आलम ये है कि लोग समझते नहीं अल्फाज मेरे, एक तू था जो बड़े सलीके से मेरी खामोशी भी जान जाता था। और कभी कभी ऐसा होता है आपको बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पुरानी जिंदगी याद आती है। तो उस पे लिखा था कि बहुत रोशनी है इन नए चिरागों में, बहुत रोशनी है इन नए चिरागों में, लेकिन क्या करूं कि मेरा दिल आज भी उस बुझे हुए दिए पे आ जाता है। कुछ तो बाकी रह गया है मेरा मुझ में। कभी कभी आप यादें मिटा नहीं सकते हैं। तो उसपे लिखा कि वो आता रहा मिलने मुझसे सालों बाद भी, वो आता रहा मिलने मुझसे सालों बाद भी, उसकी आंखों में प्यार वही। कभी कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कोई और मिलने आया और नाम किसी और का ले लिया हो? कि वो आता रहा मिलने मुझसे सालों बाद भी, उसकी आंखों में प्यार वही, उसकी आंखों में प्यार वही, लेकिन होठों पे मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं। उसकी तरह हमें कोई पढ़ ना सका, उसकी तरह हमें कोई पढ़ ना सका, हर्फ दर हर्फ कैद में जैसे उसमें ही उसमें है। और एक शेर सुनिएगा कि आप IIT वाले कितने यहाँ पे और बाकी दूसरे कॉलेज के हैं, तो एक शेर जो हॉस्टलर्स हैं स्पेशली या जो PG में रहते हैं, इस शेर को आप लोगों के पास छोड़ के जाऊंगी कि ध्यान से सुनिएगा कि पूछना कैसे गुजारी है हमने जिंदगी कभी मेरे कमरे से, पूछना कभी कैसे गुजारी है हमने जिंदगी मेरे कमरे से, यूं सुकून से जीने वालों के कमरों से धुआं नहीं उठता, यूं सुकून से जीने वालों के कमरों से धुआं नहीं उठता। बहुत बहुत। रिकॉर्ड योर पोएट्री शायरी स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन Nojoto ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।